लोकसभा चुनाव का बिगुल बस बजने ही वाला है, लेकिन बिहार एनडीए में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया। लिहाजा जनता के बीच अपनी सियासी धमक कायम रखने के लिए आज चिराग पासवान वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज हाई स्कूल के मैदान में जन आशीर्वाद महासभा रैली के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। तीन दिन पहले यानी 7 मार्च को चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के बाद चिराग ने मीडिया के किसी सवालों का जवाब नहीं दिया। नड्डा से मुलाकात के एक दिन पहले यानी 6 मार्च को पीएम मोदी दूसरी बार बिहार में थे। बेतिया से पहले 2 मार्च को पीएम औरंगाबाद और बेगूसराय आए थे। लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों में नीतीश तो मंच पर मौजूद थे, लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा मंच पर मौजूद नहीं थे।